गुड मॉर्निंग गाइस, अभी आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा तो अभी से मैं एक ब्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। अभी मैंने एक दूसरे ब्लॉग का एंड किया है, अभी फिर से एक ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी मुझे ना वो जो मेकअप वीडियोज़ है ना वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहता, बैठ के करने का मन नहीं करता और उसमें पता नहीं क्यों इतना व्यूज़ भी नहीं आता है। ब्लॉग में थोड़ा बहुत आता है, शायद लोगों को पसंद है तो इसीलिए मैं ब्लॉग्स कर रही हूँ अभी। और भी डिफरेंट टाइप के मैं फूड चैलेंजेस करूँगी थोड़ा टाइम के बाद। तो हाँ, तो अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और आप मुझे इंस्टाग्राम और एपी पेज भी फॉलो कर सकते हैं दास दीपाक्षर में, तो वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिए। अभी बज रहे 8:15, मैंने चाय वाय पी लिया, संडे तो मेरे सास ससुर अभी घर पर आज घर पर है। अभी मैं उठ के मेरे ससुर जी को चाय दिया, फिर उनके लिए टिफ़िन बनाया, वो मैगी खाते हैं, मतलब जो आटा मैगी होता है ना वो खाते हैं, और सब्जी देखे और एग देखे तो वो बनाया, और मेरी बेटी को भी दूध दे दिया। मैंने भी चाय पी लिया, ग्रीन टी पिया, और आज मैंने ग्रीन टी पिया नहीं तो मैं हॉर्लिक्स पीती हूँ, मतलब कोरोना के बाद से मैं हॉर्लिक्स पीती हूँ क्योंकि बहुत वीक वीक लगता है, लेकिन आज मन नहीं कर रहा था तो आज नहीं पिया। अभी मैं घर का काम स्टार्ट करूँगी, मतलब बर्तन वगैरह है और घर झाड़ू देना है, और मैं रोज़ पोछा नहीं लगाती हूँ, दो तीन दिन बाद पर तो आज संडे, शायद आज पोछा लगाऊंगी, शायद पता नहीं। और अभी चिकन लाए हैं, मतलब आज संडे है ना तो मेरे ससुर जो है वो लोग मटन खाएंगे, मटन घर पे नहीं लाए हैं, नीचे हमारे मतलब उन लोगों ने मतलब बचपन से एक लड़के को पाला है तो उसका परिवार रहता है नीचे, तो उसकी बीवी है वो शायद बना के देगी, उसके घर में दे दिया है मटन क्योंकि मेरे हाथ से मटन अच्छा नहीं होता और मौसी के हाथ से भी अच्छा नहीं होता, तो चिकन लाया है। अभी तो चिकन मेरी बेटी के लिए है, मैंने तो चिकन छोड़ दिया, मतलब लोग ट्राई करते हैं, मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं छोड़ दूँगी, पूरा छोड़ दूँगी, नहीं खाऊँगी। तो मेरे लिए फ़िश है, वो जो मैं आर फिश लाई थी मैं आपको दिखाऊँगी बाद में, वो है, और उसके लिए चिकन लाए हैं। तो फिर चिकन बना मैं बनाऊँगी या मौसी बनाएगी, या तो फिश में बनाऊँगी मौसी चिकन बनाएगी, ऐसा कुछ होगा। तो यह ऐसे ही जाएगा हमारा संडे। एक्चुअली ब्लॉग में भी दिखाऊँ, मतलब घर में जो जो नेचुरल होता है वही दिखा सकते हो क्योंकि अलग से कुछ मतलब बाहर भी नहीं जा सकते क्या दिखाए, और घर में मतलब मेरे तो हस्बैंड भी नहीं रहते हैं तो मैं अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ, और कोविड की वजह से वो अभी नहीं आ रहे हैं ज़्यादा, तो मैं मेरी बेटी मेरे सास ससुर तो इतना कुछ दिखाने के लिए नहीं है, अभी भी ट्राई करती हूँ मैं घर में जो जो होता है दिखाती हूँ। और कोई रेसिपी वगैरह भी, मतलब दोनों डायबिटिक पेशेंट है और मेरी बेटी जो भी मतलब खाना चाहती है मैं खरीद के दे देती हूँ, मतलब इतना मैं इतना फास्ट फूड उसको नहीं देती क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और मैं खुद भी नहीं खाती हूँ इतना ज़्यादा, अभी थोड़ा बहुत खाती हूँ, पहले तो बिल्कुल नहीं खाती थी, तो बनाती भी नहीं हूँ क्योंकि कौन खाएगा, और इसलिए रेसिपी वगैरह भी मैं इतना नहीं दिखा पाती हूँ, तो जो होता है डेली लाइफ में वही मैं दिखाती हूँ। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं, अभी मैं सब कुछ क्लीन करके मैं बिस्तर वगैरह ठीक करूँगी। के साथ जो कॉर्नफ्लेक्स है वो ले लेती हूँ, लेकिन अभी मैं पता नहीं क्या खाऊँगी, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी बेटी के लिए मैं कल रात का थोड़ा ये बचा हुआ था, राइस बचा हुआ था तो लेफ्टओवर था, तो उससे मैं उसको पसंद है, मतलब अंडे के साथ नहीं, सिर्फ आलू के साथ और प्याज काट के दे के उसको बना के उसको बहुत पसंद है, तो वो मैं बना के दे देती हूँ और वो खा लेगी। अभी कुथाए जाबे तुम्हें, कुथाए जाबे तो उस दिन थोड़ा खाया था तो अभी रह गया, तो मैं आज मैं खाऊँ, मतलब चिकन नहीं खाऊंगी, तो ये 3 पीस बना लूंगी, तो रात को मेरे ससुर जी 1 पीस और दोपहर को मैं शाम को 1 पीस खाऊंगी। और ये करेला है, इसका भाजी होगा, और फ्रिज में देखते हैं क्या क्या है। और ये थोड़ा सा चिकन लाया है क्योंकि मेरी बेटी सिर्फ खाएगी, उसका 2 टाइम का हो जाएगा,
तो ये चिकन है और अंदर घुसाया हुआ है सब्जी के अंदर। ये वाला देखिए, परवल और आलू की सब्जी हम लोग रात को रोटी के साथ, मतलब मैं नहीं, वो लोग खाएंगे रोटी के साथ। और एवरी डे हमारे घर में जो लाऊ बोलते हैं ना, ये वाला जो है ये होता ही है। ये देखिए, ये है, ये भी शायद ये फिश के हेड है, हिलसा जो फिश था ना उसका हेड था, उसके साथ होगा। तो अभी मैं ये लेफ्ट ओवर जो राइस है वो निकाल देती हूँ, थोड़ा सा ही बचा है उसको मैं बना दूँगी। ये दो कलर का ऐसा लग रहा है क्योंकि दोपहर का थोड़ा सा था और रात को मैंने कुकर में बनाया था, तो कुकर का मिला के कुकर का थोड़ा रेड रेड हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो मैं बनाती हूँ। मैंने एक प्याज, दो प्याज छोटा छोटा और एक आलू काट के ले लिया है और ये राइस है। आप भी ऐसे कर सकते हैं, अगर रात को राइस रह जाएगा तो आप ऐसे बना सकते हैं। अगर अंडा देना है तो अंडा भी दे सकते हैं, मेरी बेटी को पसंद नहीं, इसलिए मैं सिर्फ आलू और प्याज से बना रही हूँ। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, तो अभी मैं कढ़ाई में ऑयल डालूँगी। मैं ऑयल बहुत ही कम डालती हूँ क्योंकि ज़्यादा, मतलब मुझे ज़्यादा मुझे पसंद नहीं और ख़राब भी है हेल्थ के लिए, तो मैं थोड़ा सा ही ऑयल डालूँगी और अगर बाद में लगेगा तो मैं डालूँगी। ये भी ज़्यादा हो गया, इसे भी कम डालना चाहिए था क्योंकि ऑयल गर्म हो गया है। तो अभी मैं वो जो आलू और प्याज है वो डालूँगी। अगर आप चाहते हैं तो आप दूसरा कोई सब्जी भी डाल सकते हैं, अगर वो लोग खाएंगे तो हेल्दी रहेगा। आज मैंने नहीं डाला, आप गाजर वगैरह भी डाल सकते हैं। बड़ा खरीदना पड़ेगा ये। मैं थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा हल्दी दे रही हूँ, नमक दे रही हूँ, बाद में अगर लगेगा तो मैं नमक दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा नमक नमक होता है। देना है पीनट्स भी दे सकते हैं, अगर आपको कुछ दूसरा सब्जी देना है वो भी दे। ऐसे मैं ढक दूंगी और स्टीम थोड़ा कम कर दूंगी, तो वह अलग से हो जाए, मतलब जब नरम हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा इसको। ये तैयार हो गया सिंपल सस्ता खाना और बच्चों के लिए हेल्दी है। मतलब मैंने तो ये सब्जी नहीं डाला, अगर आपको सब्जी डालना है तो सब्जी भी डाल सकते हैं। और ऊपर से वो जो शेजवान चटनी मिलता है थोड़ा सा दे दीजिए, तो उनको बहुत पसंद आई। मेरी बेटी को कुछ भी नहीं है, ऐसे सिंपल पसंद है। तो हो गया ये। अभी 10:30 हो गया है, मतलब आज इतना काम किया है सुबह से, मतलब काम करते करते अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अभी जाकर चिकन बनाऊंगी क्योंकि संडे है, थोड़ा क्लीनिंग भी किया है और मतलब दो दिन बाद में घर पोछा लगाती हूँ तो वो भी लगाया है। अभी 10:30 हो, अभी मुझे खाने का टाइम मिला तो आज मैं ये खा रही हूँ। आज मैंने मतलब मैं सुबह कॉर्नफ्लेक्स मिल्क लेती हूँ, आज मैं नहीं ले रही हूँ। ये जो स्प्राउट्स बोलते हैं इसको, इसमें थोड़ा सा नींबू, नमक और मिर्ची दे के बहुत टेस्ट लगता है, तो ये खा रही हूँ अभी। तो थोड़ी देर बाद मैं जब सबसे ज़्यादा फिश बनाऊँगी, लेकिन मेरी बेटी बोल रही है कि मुझे उसको मेरे हाथ का चिकन खाना है। मतलब सबको ही सबकी माँ का हाथ का पसंद होता है, मुझे तो मेरे हाथ का बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये थोड़ा सा ही चिकन है, इसलिए मैंने ये आलू काट के रखा है। यहाँ पे 3 आलू है और मतलब पोटैटो है, और यहाँ पे अनियन है, और मतलब 5-6 अनियन होगा। यहाँ पे जिंजर है और गार्लिक है, और यहाँ पे ये दालचीनी है। मतलब लोग इलायची नहीं देते, ये ही देते हैं, मतलब गर्म मसाला ये देते हैं, कुछ नहीं देते। सिंपल बनाते हैं बिल्कुल, क्योंकि बच्चा खाएगा ना। और रेड चिली पाउडर हमारे घर में ही नहीं खाते हैं कोई, क्योंकि पता नहीं वो लोग नहीं खाते, लाते भी नहीं है। तो ये ग्रीन चिली और ये वाला जो है, ये जो ड्राई जो चिली होता है रेड, वो है। इतना ज़्यादा झाल मतलब तीखा होगा तो नहीं खा पाएगी, और इतना फीका भी नहीं खाती है, तो थोड़ा सा इसको मैं पीस लूँगी। जितना ही चिकन है उससे ज़्यादा नहीं है, तो उसमें मैं अभी 1-1 कप की जो है वो डालूँगी, बहुत ही कम है। तो पहले मैं ये प्याज डाल रही हूँ, ये
गार्लिक का पेस्ट है वो दूंगी, अभी मैं ये अदरक का पेस्ट है वो दूंगी, क्योंकि ये कोई नहीं खाएगा ना, वो सिर्फ खाएगी। तो ये जो चिली जो था ना, दो चिली जो था वो मैंने पेस्ट किया था वो दे। तो अभी मैं ये जो तेज़पत्ता बोलते हैं, बेलिफ्स बोलते हैं, वो डाल रही हूँ, तीन तीन दिया है मैंने। और अभी ये हल्दी दे रही हूँ, जितना आपका मतलब आपके अनुसार आप दीजिए। मैंने एक चम्मच और आधा चम्मच और दिया है। अभी मैं ये जीरा पाउडर दे रही हूँ, ये वाला एक मतलब अपने अनुसार दीजिए, मैं मेरे अनुसार दे रही हूँ। अभी मैं धनिया पाउडर दूँगी, तो ये वाला धनिया पाउडर। और अभी मैं नमक दूँगी, अभी मैं ऑयल दे रही हूँ। अभी मैंने ये जो आलू मैंने धो के रखा था, इसको थोड़ा सा हल्दी और नमक देके थोड़ा सा इसको फ्राई कर दूँगी, मतलब भाजी की तरह कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है थोड़े टाइम के लिए, फिर ये आलू जो है वो करके फिर ये डाल दूँगी उसमें। इसको ऑन करती हूँ, नहीं तो पूरा देखिए यहाँ पर पूरा ये हो गया है। अभी मैंने ये वाला जो आलू है वो बॉयल मतलब फ्राई कर दिया है, चिकन है इसको इसमें डाल दूँगी। इसको हम लोग थापला नहीं बोलते, मतलब थापला होंगे तो इसका पानी जो है वो ऑटोमेटिक छोड़ जाएगा। इसमें ऐसे इसको हिलाते रहेंगे, इसमें जो तेल है वो पूरा छोड़ देगा। जब पूरा तेल छोड़ देगा तब उसको आप ऐसे ढक के रख दीजिए स्टीम कम करके, या फिर आप कुकर में दे दीजिए। मतलब आलू जो मैंने फ्राई करके रखा है वो आलू और गर्म मसाला दे दें, लेकिन इसको जब तक मतलब पूरा ड्राई मतलब नहीं होता, तेल नहीं छोड़ देता तब तक इसको खिलाते रहिए। इसको मैंने फ्राई कर लिया है, अब मैं इसको क्या करूँगी, कुकर में डाल दूँगी। तो ये वाला कुकर है, ये छोटा वाला कुकर है, ये जो मुर्गी मतलब चिकन जो है ये बहुत ही छोटा है, इसको ज़्यादा उसे नहीं देना पड़ेगा, नहीं देने से भी होगा, फिर भी मेरे मन के तसल्ली के लिए मैं एक या दो उसम दे दूँगी। देखिए मैंने ये चिकन भी दे दिया, आलू भी दे दिया, गर्म मसाला भी दे दिया और थोड़ा सा पानी दिया है। अब बंद करके अगर आपको ज़्यादा पतला चाहिए तो ज़्यादा पानी दीजिए, मैं थोड़ा ड्राई बनाऊंगी। तो गाइस ये चिकन हो गया है, लेकिन ये आलू पूरा मतलब ज़्यादा बॉयल हो गया है। कपड़ा ऊपर दिया है, अभी तक नहीं लाया है, चाह रही हूँ कपड़ा लाने, कपड़ा ला के फिर नहाऊंगी, बहुत लेट हो गया आज काम करते वक्त पूरा। इतना सारा कपड़ा देखिए, अभी मैं जाऊँगी नहाने। अब मैं नहा के आ गई गाइस, मेरे घर में ना पूरा अंधेरा लगेगा, क्योंकि ये जो पर्दा है मैं हटाती नहीं, मुझे इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा वो विंडो है ना, तो बहुत ज़्यादा धूप आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। पहले मैं जब वीडियो शूट करती थी तो यहाँ पे ही मेरे घर पे यहाँ पे करती थी ये वाले विंडो पे, तो अभी मैं नहा के आ गई। बाथरूम में लाइट नहीं था, मतलब मेरे बाथरूम में जो लाइट है उसमें ये नहीं है, क्या बोलते इसको, इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है। तो जल्दी जल्दी मैं वैसे भी 5 मिनट में नहाती हूँ, अगर आप मेरा नहाना देखेंगे तो बोलेंगे कि ये कैसी लड़की है, कितना जल्दी नहाती है। और अभी बहुत ही जल्दी नहा के आ गई मैं, मतलब 5 मिनट में सिर्फ ऐसे ही थोड़ा सा साबुन लगाया और पानी दे के आ गई। अभी 1 बजने से 5 मिनट पहले गई थी और 1:05 को मैं आ गई नहा के। तो अभी नहा के अभी बैठी हूँ, बैठ के मैं वीडियो देख रही हूँ। मुझे मम्पी डॉट राहुल का वीडियो बहुत अच्छा लगता है, वो जो टिकटॉक बनाती है ना मम्पी, बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतनी प्रीटी है देखने में, सच बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका वीडियो। और अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छी ही है, मतलब कितना केयर करती है अपने हस्बैंड को, मतलब अच्छा लगता है उसका वीडियो देखने में। तो वही देख रही थी, अभी देखने के बाद थोड़ी देर बाद लंच करूँगी। तो वो लोग मैंने बोला ना कि वो लोग मटन खाएंगे, तो अभी तक मटन नहीं बनाया, तो मटन होने के बाद हम लोग एक साथ बैठ के खाएंगे। और खाने के टाइम में मैं शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि उन लोगों को पसंद नहीं है, मतलब खाने के टाइम में शूट करना शुरू नहीं करते, तो मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। गाइस मैंने अभी एक मेकअप किया है, तो ये मेकअप लुक मैंने किया, मतलब बेस परफेक्ट आप कैसे कर सकते हैं उसी पे एक मेकअप किया है। आई मेकअप पे मत जाइए और आईब्रो पे मत जाइए, मैंने बेसिकली बेस देखिए कितना फ्लॉलेस लग रहा है। ये तो मेरा थोड़ा सा पिंपल है वो तो दिखाई देगा, लेकिन बेस बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसके ऊपर ही मेकअप किया है मैंने।
और आज मैं सोच रही थी कि मैं और दो शूट कर लूँ, मेरा ज्वेलरी कलेक्शन है और मेरा मेकअप कलेक्शन भी शूट कर लूँ, लेकिन इतना मतलब बिजी रहती हूँ, मैं टाइम नहीं मिलता है। अभी 11:30 हो रहा है, मैं हमारा जो मौसी है वो आ जाएगी, फिर मुझे मेरी बेटी को भी नहलाना है, मुझे भी नहीं, मतलब टाइम नहीं मिलता है सच में। थोड़ा वो लोग ऑफिस जाने के बाद में थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं करती हूँ, तो अभी मैं जाऊँगी मैं काम करने के लिए। हे गाइस, अभी शाम हो गया है, शाम का चाय भी पीना हो गया, तो अभी मैं खिचड़ी बना रही हूँ। मेरा जो कैमरा है उसका क्वालिटी पता नहीं क्या वो ख़राब हो गया, बहुत जन ने मतलब एक दो जन ने कमेंट किया है, बहुत जन तो नहीं करते कमेंट ही नहीं करते, तो अभी मैं खिचड़ी बना रही हूँ, तो मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे बनाती हूँ, शॉर्टकट में दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे पहले पानी गर्म किया है थोड़ा सा, मतलब ये ज़्यादा लग रहा है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा सॉस पैन जो है उस पर पानी गर्म किया है। फिर ये जो पम्पकिन है उसको कट किया है और गाजर को कट किया है, और अगर कुमड़ा कोई भी सब्जी हो घर में आप दे सकते हैं, और फिर उसको धो के फिर उस पानी गर्म जब थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा तो उसमें दे दिया है। और जैसे 2 कप अगर आप चावल देंगे तो 2 कप दाल देना पड़ेगा, तो हम लोग मूंग दाल का करते हैं, लेकिन आज वेज भी है, मूंग दाल नहीं है तो क्या करें, मसूर दाल को ही 2 कप नहीं मतलब कटोरी था तो कटोरी दाल को धो लिया है, और 2 चावल यहाँ पे 2 कटोरी धो के रख दिया है, देखिए यहाँ पे भिगो के रखते हैं तो भिगोएगा। फिर सब्जी देने के बाद फिर दाल दे दिया है और नमक दे दिया है और ग्रीन चिली देख रहे हैं आप, ग्रीन चिली फाड़ के दे दिया है और अदरक दे दिया है। अब इसको ढक के रख देंगे, जब बॉयल हो जाएगा थोड़ा सा हाफ हाफ बॉयल हो जाएगा तब चावल दे देंगे। चावल देने के बाद फिर मैं दिखाऊँगी क्या करती हूँ। अभी गाइस इसमें वो चावल दे दिया, अभी चावल भी बॉयल हो गया, फिर इसमें हल्दी और थोड़ा सा जीरा दे के, और मतलब ये बॉयल होगा सूखेगा और ज़्यादा, फिर हम उसमें छौंक लगाएंगे। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई बिठाया है, इसके साथ ये जो आलू है इसका भाजी करेंगे, मतलब खिचड़ी के साथ ऐसे मतलब कट करके आलू अच्छा लगता है। खिचड़ी बना दिया है, थोड़ा ज़्यादा ड्राई हो गया है, थोड़ा पतला रहता तो अच्छा होता है। मसूर दाल का खिचड़ी इसमें एक्चुअली ये नहीं जाता है, हम लोग 5 फोड़न देते हैं वो नहीं जाता है, प्याज जाता है, पर इसमें मैंने आज वेज है इसके वेज के जैसा बनाया है। कलर बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा ड्राई सूखा हो गया है, टेस्टी है, मैं खा के देखा है तो इसको आपने जिससे देखा था ना, मैंने बॉयल किया है फिर जीरा और हल्दी दिया था, फिर उसके बाद कुछ नहीं किया, थोड़ा सा ऑयल दे के उसमें जो ड्राई जो चिली होता है एक्चुअली वो, और तेज पत्ता जो होता है वो बेल लीफ बोलते हैं वो, और हम लोग 5 फोड़न बोलते हैं, उसमें मेथी होता है, जीरा होता है और काला जीरा होता है, वो सब मिक्स होता है, उसको देख के छौंक मार दिया, फिर उसमें दे दिया, हो गया, और थोड़ा सा घी दे दिया है। एक्चुअली इसमें प्याज ही अच्छा लगता है, पर वेज है हम लोग, वेज में प्याज नहीं खाते हैं तो इसीलिए। और ये मैंने भाजी करके रखा है, आलू का भाजी इसके साथ अच्छा लगेगा, अगर प्याज के साथ करती तो एग का ऑमलेट अच्छा लगता, लेकिन प्याज तो नहीं किया है तो या। दांत ब्रश खत्म हो गया, अभी आज मैं कुछ भी स्किन केयर नहीं करूँगी, मतलब अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा खा लिया ना वो क्या बोलते इसको क्या बोलते इसको मतलब मेरा पूरा देखिए मस्कारा गल गल के बाहर आ रहा है,
ये जो खिचड़ी है ना वो रात को नहीं, लोग बोलते कि रात को कार्ब नहीं खाना चाहिए, मैंने इतना खाया है, इतना मैंने दो हाथ से नहीं दिखा सकते, ऊपर से घी भी डाला है। तो अब मत सोचिए कि अंडर डार्क सर्कल है, ये मस्कारा है। तो अभी मुझे मन ही नहीं कर रहा, मैं हिल नहीं पा रही, मैं क्या खाऊँ, मतलब क्या स्किन केयर करूँ। अभी जाके मैं सब कुछ ठीक करके सो जाऊँगी। और देखिए बाहर कैसे लगता है, रात को अच्छा लगता है ना बाहर। गाइस जो मैंने ब्लॉग ये दो तीन दिन से कंटिन्यू किया कर रही हूँ, मतलब मैं ऐसे ही ब्लॉग करती हूँ, दो तीन दिन मिला के करती हूँ। डेली का मैं क्या दिखाऊँ, मतलब ये सिर्फ मतलब बोलते हुए डेली का दिखाने का कुछ नहीं है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है ना, तो बाहर भी नहीं जा सकते, घर में जो होता है वही दिखाती हूँ दो तीन दिन मिला के। तो ये वाला ब्लॉग है, ये वाला ब्लॉग मैं अभी पेंट करती हूँ और अभी मैं खाना खाऊँगी। हम लोग खाना खाएंगे क्योंकि रात में जो खिचड़ी बनाया था ना वो खाना पूरा गैस हो गया और खिचड़ी ज़्यादा हो गया, अभी बच गया है खिचड़ी, तो वही थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। घी मतलब पेट में ये नहीं होता है, हजम नहीं होता है, तो हम लोग के पेट में नहीं होता है, मतलब गैस हो जाता है। और मैं देखिए कितना पिंपल आ रहा है, क्योंकि मैं खाने में कुछ नहीं मानती ना, अभी पूरा पिंपल आके खत्म हो जाता है। और पार्लर पे भी बहुत ज़्यादा डेंड्रफ हो गया, डेंड्रफ की वजह से भी पिंपल्स आ रहे हैं। तो अभी वही थोड़ा थोड़ा खाएंगे शायद, उसको भी गैस हो गया, मेरी बेटी को और ससुर जी को भी हो गया, मुझे भी हो गया। तो अभी इस ब्लॉग को ब्लॉग नहीं ब्लॉग को मैं पेंट करती हूँ। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पेज पर फॉलो कीजिएगा, सिर्फ ताश दीपाक्षी आप टाइप कीजिए, आपको तब मिल जाऊँगी मैं, तो वहाँ पर जाके मुझे फॉलो करिएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे